दोस्तों बात उस दौर की है जब विनोद खन्ना दोबारा फिल्म में लौटकर आए थे और लौटकर उन्होंने रोमांटिक रोल प्ले करने शुरू कर दिए थे। उस वक्त फिरोज खान एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दयावान। कुर्बानी फिल्म करते हुए फिरोज और विनोद में दोस्ताना हो गया था और जब विनोद लौटे तो फिरोज ने उनको दयावान का लीड रोल ऑफर कर दिया। फिरोज जानते थे कि विनोद से बेहतर वो रोल कोई निभा ही नहीं सकता। विनोद ने भी हाँ कर दी। फिल्म के लिए उस वक्त पॉपुलर हीरोइन न मिली क्योंकि फिल्म में हीरोइन का किरदार छोटा और वैश्या का था। फिरोज खान ने माधुरी से संपर्क किया जो उस वक्त संघर्ष कर रही थी। माधुरी ने झट से हाँ कर दी। हालांकि उनके भीतर एक मलाल था कि हीरो उम्र में उनसे काफी बड़ा था, लेकिन माधुरी विनोद खन्ना के स्टारडम और सम्मोहन के आगे इस कदर बेबस थी कि उन्होंने भी हाँ कर दी। तो कुल मिलाकर फिरोज खान को विनोद और माधुरी के रूप में फिल्म के हीरो हीरोइन मिल चुके थे। लेकिन असली समस्या तो आगे आने वाली थी। फिरोज खान ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी के बीच एक लिपलॉप और एंटीमेंट सीन फिल्माया जाना था। सभी को लगा कि माधुरी इसके लिए कतई राजी नहीं होंगी, लेकिन माधुरी ने इस सीन को बिना हिचकिचाट के शूट कर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। फिरोज खान भी माधुरी दीक्षित के बेबाक रवैये से चौंक उठे। बहरहाल शूट की तैयारी की गई और माधुरी और विनोद खन्ना तैयार हो गए। गीले बदन कम कपड़ों में दो सितारों पर शूट किया जा रहा था और दर्जनों लोग देख रहे थे। तब ये कुछ अचंभा सा लग रहा था कि विनोद इतनी छोटी सी हीरोइन के साथ लिपलॉप दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा निगाहें माधुरी पर थी। पूरी टीम माधुरी के ऐसे जज्बे को देख अवाक रह गई। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक हैरान रह गए क्योंकि उस दौर में वो इस तरह के सीन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जबकि वो सीन उनकी आंखों के सामने पर्दे पर दिखाए जा रहे थे। उस वक्त फिल्म की कहानी से ज्यादा चर्चा फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच फिल्माए गए स्मोच और लव मेकिंग सीन की हुई। आज भी जब इस फिल्म की बात आती है तो सबसे ज्यादा बात माधुरी और विनोद खन्ना के बीच फिल्माए गए किसिंग और लव मेकिंग सीन की जरूर चर्चा होती है। लेकिन इस फिल्म में बोल्ड सीन करने के बाद ही माधुरी को अजीब महसूस होने लगा था और फिल्म करने के 3-4 साल बाद ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कबूल भी किया कि दयावान में किए गए किसिंग सीन के लिए उन्हें पछतावा है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।